भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया इसका भी जिक्र किया और उन्होंने एक तरीके से एक गुरु की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि गुरु ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिपल्केशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से भी पड़ सकते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अधीन अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370(1)(c) में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ टू दैट स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतः कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम तथा दोनों चीजें मैं लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो बालू साहब को कुछ कहें, माने गजीर रंजन जी प्लीज आप लास्ट में सर जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अजय रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ माने से प्लीज। सभापति महोदय माने प्लीज आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साइटिंग दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और
जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साइ चीन दोनों समाहित। बालो जी, आई थिंक वी आर इन योर